नमस्कार। कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, वो है मानसून की उत्पत्ति। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, सह आचार्य भूगोल। आप सभी जानते हैं कि भारत के भूगोल का अध्ययन जब हम करते हैं तो जलवायु का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसमें मानसून की उत्पत्ति यानी मैकेनिज्म ऑफ मानसून जो है वो बहुत ही टेक्निकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के मैकेनिज्म को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हम शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप सभी हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बहुत से वीडियोस आपके सामने आते रहते हैं, आप उनका अध्ययन कर सकें। आप सब जानते हैं कि मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरब भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु यानी सीजन। इसका तात्पर्य ये है कि उन पवनों से है, इसका मतलब कि जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा में परावर्तन करती हैं, यानी साल में वो एक समय एक दिशा में बहती हैं और दूसरे भाग में यानी दूसरे समय में दूसरी दिशा में बहती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यह सिस्टम जो है मानसून का, वह रिवर्सल ऑफ विंड्स का एक सिस्टम है। ये पवने ग्रीष्म काल में सागर से स्थल की ओर तथा शीत काल में स्थल से सागर की ओर बहती हैं। मानसून दो परस्पर मौसम वाली जलवायु है तथा पवनों का उत्क्रमण मानसूनी जलवायु का मूल सिद्धांत है। अभी इसमें लिखा है पवनों का उत्क्रमण यानी रिवर्सल ऑफ विंड्स। इसे अधिक स्पष्ट करते हुए सिम्पसन ने कहा है कि मानसून पवने वास्तव में व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं के उत्तर व दक्षिण की ओर स्थानांतरण से उत्पन्न वायु की धाराएं हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार मानसून स्थलीय व जलीय समीर का ही वृहत रूप है। स्थलीय और जलीय समीर हम पढ़ते हैं जो दिन में चलती हैं, यानी एक 24 घंटे का एक तंत्र है। उसी को यदि हम ऋतुपरक मान लें, यदि बड़े यानी लंबे समय तक मान लें, तो वो मानसून हो जाता है एक तरह से। एक मानचित्र आपके सामने है, ये दर्शाता है कि विश्व में इस प्रकार का मानसूनी जो जलवायु है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। आप देखिए, जो सबसे ज्यादा वृहत रूप से पाया जाता है भारत और ये जो भारत के उपमहाद्वीपीय जो क्षेत्र हैं वहां मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, अफ्रीका का पूर्वी भाग, ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग और ये पूर्वी भाग, यहाँ पे मध्य अमेरिका और ये जो भाग है यहाँ पे मानसून जलवायु मुख्य रूप से पाया जाता है। हम मानसून से मतलब ये ना लगाएं कि ये सिर्फ भारत में ही है इस प्रकार का जलवायु। ये देखिए किस प्रकार से हवाएं मानसून में चलती हैं। गर्मियों का जो समय होता है यानी ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है, उस समय दक्षिण पश्चिमी मानसून की स्थिति होती है। यानी ये देखिए विषुवत रेखा है, इसको जब हवाएं क्रॉस करती हैं तो ये कोरिओलिस बल के कारण इधर मुड़ जाती हैं और इधर मुड़ के ये भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर अलग अलग ब्रांचेज के रूप में, एक ब्रांच इधर जा रही है, एक ब्रांच ये इधर जा रही है, ये देखिए। तो ये मुख्य रूप से मानसूनी हवाएं हैं जिनको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। यहाँ उच्च दाब है, यहाँ निम्न दाब है, क्योंकि ग्रीष्मकाल है, गर्मी उत्तरी भारत में ज्यादा है तो वहां पे उच्च तापमान के कारण निम्न दाब बन जाता है और उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की तरफ चलती हैं। इसके विपरीत जब शीतकाल होता है यानी शीत ऋतु जब होती है तो भारतीय मानसून की जो स्थिति है उसे हम उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों के रूप में देखते हैं। यानी उत्तरी भारत में क्योंकि सर्दियां हो गई, तापमान कम हो गया, तो यहाँ पे उच्च दाब की स्थिति बन गई, इसलिए हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की, ये जो भाग है यहाँ निम्न दाब है, इस तरफ चलते हैं। इनको हम उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने कहते हैं। तो इसको हम रिवर्सल ऑफ विंड्स कह सकते हैं कि एक समय ये हवाएं इधर चल रही थी, एक समय वापस चलने लग गई।
ठीक है, इसको हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून, यानी लौटता हुआ मानसून। आप देखिए जो हमारा मानसून है वो किस प्रकार से भारत में उपस्थिति देता है अपनी। हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले ये देखिए कि मानसून जो है वो जून के महीने में भारत में एंटर करता है, 1 जून को इन भागों में ये एंटर करता है, यानी केरल के तट पे, और इसी प्रकार से कोलकाता, मेघालय वाले भागों में, मणिपुर, म्यांमार, यहाँ पे ये 1 जून को प्रवेश करता है। इसे कहते हैं मानसून का फटना, और इससे भी पहले ये अंडमान निकोबार के भागों को छू चुका होता है। इसके बाद 5 जून को आप देखिए लाल जो रेखा है उससे हम बता पा रहे हैं कि 5 जून को इन भागों को कवर करता है, 10 जून को इन भागों को कवर करता है, 15 जून को यहां पहुंचता है ये, और 1 जुलाई को इन स्थानों पर, और सबसे पश्चिमी भागों में ये 15 जुलाई को पहुंचता है। ये प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में मानसून कब पहुंचता है, या भारत में मानसून की एंट्री कब होती है, तो आप इसका पूरा ध्यान रखें। मानसून की जो उत्पत्ति है आज भी मौसम वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है, यानी ये बहुत जटिल तंत्र है। मानसून की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत दिए गए, परंतु अभी भी सटीक वह संपूर्ण वर्णन हम इसका प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। पिछले वर्षों में मानसून की उत्पत्ति के कई रहस्य सुलझाए गए, लेकिन अभी और रहस्य सुलझाए जाने बाकी हैं। यानी जितने भी सिद्धांत मानसून की उत्पत्ति से संबंधित हैं, वो भी अभी तक पूरी तरह से मानसून की जटिलताओं को समझ नहीं पाए। इसके ऊपर काम लगातार जारी है, हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इसकी जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाते रहते हैं। आप देखिए कि मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत 2 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। एक ऐसी विचारधाराएं या सिद्धांत जो प्राचीन हैं, जिन्हें हम ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं, या चिर सम्मत विचारधारा कह सकते हैं, पुराने कह सकते हैं, और एक जो आधुनिक सिद्धांत है, इनको इन 2 भागों में बांट सकते हैं। मानसून का सर्वप्रथम जो वर्णन है वो भारतीय प्राचीन साहित्य जैसे ऋग्वेद आदि में मिलता है, परंतु इनका सर्वप्रथम वैज्ञानिक जो वर्णन है वो अरब घोलवेताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। हम ये जानते हैं कि 10वीं शताब्दी में अल मसूदी वो पहला वैज्ञानिक था, या अरब घोलवेता था, जिसने मानसूनी हवाओं के बारे में बात की थी। उन्होंने उत्तरी हिंद महासागर पर सागरीय पवनों के प्रावर्तन व मानसून पवनों का वर्णन किया गया है इनके द्वारा, और मानसून की उत्पत्ति की तारीखों का वर्णन कि किस तारीख को ये उत्पन्न होता है, ये 1554 में सिद्दी अली एक और भूगोलवेत्ता थे उनके द्वारा किया गया। उसके बाद मानसून को समझने की जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ी, और मानसून की उत्पत्ति को समझाने के लिए जो प्राचीन या चिर सम्मत जो सिद्धांत थे उनमें पहला जो कॉन्सेप्ट आया है, सिद्धांत आया, उसे हम कहते हैं तापीय सिद्धांत, थर्मल। और ये किसने प्रस्तुत किया? ये एडमंड हेले ने 1686 में प्रस्तुत किया। इसका आधार ये था, इस सिद्धांत के अनुसार मानसून महाद्वीप व महासागरों के उष्ण में अंतर के कारण इनमें उत्पन्न तापीय विरोधाभास का परिणाम है। यानी जो महाद्वीपीय भाग है और जो महासागरीय भाग है उनके गर्म और ठंडा होने का जो अलग अलग स्वभाव है, या हम उसको कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल हीटिंग, यानी स्थल भाग जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, सागरीय भाग धीरे गर्म होता है और धीरे ठंडा होता है। इसी कारण से जब दोनों भागों में प्रेशर डिफरेंस बन जाता है, यानी दाब का विरोधाभास पैदा हो जाता है, तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ मूवमेंट करने लगती हैं, और इसी कारण से मानसून भारत में आता है। ये थर्मल कॉन्सेप्ट, ये तापीय सिद्धांत है जो एडमंड हेले ने 1686 में दिया था। आप देख लीजिए कि ये समर का समय है, समर्स के अंदर ये गर्म स्थल भाग है, यहां पे क्योंकि तेज गर्मी है तो तापमान तेजी से बढ़ता है, इसके कारण यहाँ लो प्रेशर बन जाता है, और ये सागरीय भाग है जहां पे टेम्परेचर कम है तो वहां पे हाई प्रेशर बन जाता है। और हम ये जानते हैं कि हवाएं हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की तरफ चलते हैं, इसीलिए सागर से भारतीय उपमहाद्वीप में हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के रूप में आती हैं और सागर से ह्यूमिडिटी लेके आती हैं, आर्द्रता लेके आती हैं और वर्षा करती हैं। ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पे वर्षा होती है। गर्म सर्दियों में क्या हो जाता है, सर्दियों में जो जमीनी भाग है या स्थलीय भाग है, क्योंकि वो जल्दी ठंडा होता है तो वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होने के कारण प्रेशर बढ़ जाता है। और इसके विपरीत जो सागरीय भाग है दक्षिण के, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है इसकी बजाय, इसलिए वहां पे निम्न दाब होता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं बहने लगती हैं। ये सर्दियों की स्थिति है। तो तापीय जो सिद्धांत है वो थर्मल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी एरियाज के आधारित है, पर आधारित है। ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ निम्न वायु दाब केंद्र का विकास हो जाता है तथा तो तापीय विषुवत रेखा का उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। ये देखिए, ये जो तापीय विषुवत रेखा है ये उत्तर की ओर खिसक रही है, इसीलिए इस ये लो प्रेशर बन जाएगा यहाँ पे। और यहां से जो हवाएं हैं वो इस प्रकार से इक्वेटर को क्रॉस करेंगी तो कोरियोलिस बल के कारण इधर मुड़ जाएंगी और ये भारत की तरफ दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाओं के रूप में पहुंचेंगी। जब ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो कोरियोलिस बल के प्रभाव से अपने दाही ओर मुड़ जाती हैं, जहां इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। क्योंकि ये पवने लंबी दूरी तय करके आती हैं और अपने साथ अधिक आर्द्रता भी लाती हैं, इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है। ये बात हमने बता दी। शीत ऋतु में इसका विपरीत हो जाता है। ये देखिए, शीत ऋतु में ये यहां पे ये जो सागरीय भाग हैं यहाँ निम्न दाब हो जाता है और भारतीय जो भाग है यहाँ पे उच्च दाब हो जाता है, तो हवाएं इधर चलने लगती हैं। ये देखिए इस प्रकार से। तो ये थर्मल जो कॉन्सेप्ट है वो है। इसके बाद क्योंकि एडमंड हेले का जो सिद्धांत था वो मानसून की एक सरलीकृत व्याख्या है, सामान्य व्याख्या, जबकि मानसून तो बहुत जटिल तंत्र है, तो इसलिए इसका जो प्रभाव है इस सिद्धांत का वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। और यही कारण रहा कि एडमंड हेले का सिद्धांत था उसकी आलोचना होने लगी, क्योंकि यह मानसून की जटिलताओं को समझाने में असमर्थ रहा। और जटिलताएं क्या थी, जैसे ये नहीं बता पा रहा था कि मानसून के अंदर रुकावट क्यों आती है, व्हाई देयर इज ब्रेक इन मानसून। कभी कभी हम देखते हैं कि लगातार 5 दिन बरसात होती है लेकिन 10 दिन के लिए नहीं होती, तो ये ब्रेक जो आया मानसून के अंदर ये क्यों आया। तो इस तरह की जो जटिलताएं हैं। एक दूसरी जटिलता ये कि हर स्थान पे जो बारिश है वो अलग अलग क्यों होती है, तो इस प्रकार की बातों को ये समझा नहीं पाया, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना हुई। और नए सिद्धांत जिन्हें हम आधुनिक सिद्धांत कहते हैं वो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए, और इनमें जो सबसे पहला सिद्धांत था आधुनिक सिद्धांतों में वो था गतिक संकल्पना, यानी डायनेमिक कॉन्सेप्ट। और ये किसने दिया, ये फ्लोन महोदय ने दिया। इनके अनुसार विषुवतीय पछुआ पवन ही दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा है। विषुवतीय पछुआ पवने जो हैं वही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं। इसकी उत्पत्ति अंतः उष्ण अभिसरण के कारण होती है। आप देखिए, ये एक कोशिश की है मैंने, ये इक्वेटोरियल इक्वेटर है, यहां से ये हवाएं चलती हैं ट्रेड विंड्स, इधर से भी ट्रेड विंड्स चलती हैं। ये हवाएं जहां मिलती हैं उसे हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी अंतः भूमध्य रेखीय अभिसरण क्षेत्र। और जहां पे ये मिलती हैं वहां पे इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं इनके मिलने के कारण। और ये जो इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड्स हैं यही फ्लोन के अनुसार दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं, क्योंकि ये यहां मिलकर, क्योंकि जब गर्मियां होती हैं तो इन स्थानों पे लो प्रेशर होता है, और जो ITCZ है जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो यहां से शिफ्ट होके ऊपर चला जाता है। और जब ये शिफ्ट हो जाता है तो ये दक्षिण की जो हवाएं हैं व्यापारिक पवने हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करके इधर आ जाती हैं, ये हैं भारत के अंदर एंटर करती हैं। ठीक है, तो ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है कि जो फ्लोन ने कहा कि विषुवत पछुआ पवन ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं हैं,
इसकी उत्पत्ति अंतः उष्ण अभिसरण के कारण होती है। अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों व दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का मिलन स्थल है। यहाँ दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। फ्लोन ने मानसून की उत्पत्ति हेतु तापीय प्रभाव को बहुत प्रमुख माना है। ग्रीष्म काल में तापीय विषुवत रेखा के उत्तरी खिसकान के कारण अंतः उष्ण अभिसरण विषुवत रेखा की उत्तर में हो जाती है और इसीलिए विषुवतीय पछुआ पवने जो हैं वो अपनी दिशा संशोधित कर भारतीय उपमहाद्वीप में बने निम्न दाब की ओर प्रभावित होती हैं और इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। ये आधुनिक जो सिद्धांत है उनमें गतिक संकल्पना है। लेकिन अभी तक हमने देखा कि मानसून को मानसून के तंत्र को समझाने के लिए स्थल और सागर को ही शामिल किया गया है। एक और तंत्र है जो है वायुमंडलीय तंत्र, उसको अभी तक शामिल नहीं किया गया है। जबकि वायुमंडल में जो होता है, वायुमंडलीय तंत्र जो होता है, उसमें भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो मॉनसून को प्रभावित करती है। इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट जो आया जिसे हम जेट स्ट्रीम सिद्धांत कहते हैं वो फिर सामने आता है। आप देखेंगे कि अब आकर जेट स्ट्रीम सिद्धांत जो है यहाँ पे स्थलीय, सागरीय और वायुमंडलीय ये तीनों के तीनों तंत्र एक साथ मिलकर मॉनसून को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करते हैं। इससे पहले के जितने भी सिद्धांत थे उनमें जेट स्ट्रीम का या वायुमंडलीय तंत्र का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब ये शामिल हो गया। 1950 के उपरांत भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित किए गए शोध कार्यों से स्पष्ट हुआ कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति तथा कार्यविधि स्थल व सागर के साथ साथ वायुमंडलीय तंत्र से भी संबंधित है। इस संबंध में कोटेश्वरम, इन फ्लोन, रामारत्ना तथा कृष्णन आदि प्रमुख शोधकर्ता हैं जिन्होंने निरंतर शोध कार्य के उपरांत अपने विचार प्रस्तुत किए और इन्हीं का परिणाम था, इन्हीं का प्रयास था कि जेट स्ट्रीम सिद्धांत हमारे सामने आ पाया। जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल यानी 9 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच अति तीव्रगामी वायु प्रवाह प्रणाली है। मध्य भाग में इसकी गति अधिकतम होती है। ये हवाएं पृथ्वी के ऊपर एक आवरण का कार्य करती हैं जो निम्न वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करती हैं, नीचे के वायुमंडल के मौसम को ये प्रभावित करती हैं। भारत में आने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। हम ये देखेंगे कि दो प्रकार की जेट स्ट्रीम भारत के मानसून से संबंधित हैं, एक उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम और दूसरी पश्चिमी जेट स्ट्रीम या उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून का संबंध तो उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है और उत्तर पूर्वी जो मानसून है यानी लौटता हुआ जो मानसून है, शीतकालीन जो मानसून है, उसका संबंध किससे है? उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम से। देखते हैं कैसे। आप देखेंगे कि जो वायुमंडल में जो तंत्र है वो धरातल को कैसे प्रभावित करता है। ये देखिए, यदि धरातल पे उच्च दाब है, उच्च दाब का मतलब है कि हवाएं बाहर की तरफ जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं धरातल पे, और यदि धरातल पे बाहर की तरफ जा रही तो वायुमंडल में क्या हो रहा है? एक दूसरे की तरफ आ रही है। ये देखिए इस प्रकार से। और यदि धरातल पे लो प्रेशर है तो हवाएं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो वो ऊपर क्या होगा? एक दूसरे से अलग डाइवर्ज होंगी। ये देखिए, डाइवर्जेंस होता ऊपर, कन्वर्जेंस नीचे। फिर यदि ऊपर कन्वर्जेंस है तो नीचे डाइवर्जेंस है, ऊपर डाइवर्जेंस है तो नीचे कन्वर्जेंस है। यही जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे जेट स्ट्रीम के साथ जुड़ता है, क्योंकि जहां पे हवाएं ऊपर से नीचे आएंगी वहां पे क्या होगा? हाई प्रेशर होगा, और जहां हवाएं नीचे से ऊपर जाएंगी वहां पे लो प्रेशर होगा। तो शीतकाल में जब पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ये देखिए शीतकाल का जो समय है, पछुआ या उपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्या प्रभाव डालती है? शीतकाल में उपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम संपूर्ण पश्चिमी तथा मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तिब्बत का पठार इसके मार्ग में अवरोधक का कार्य करता है एवं इसे दो भागों में बांट देता है। तिब्बत का जो पठार है, ये देखिए, यहां से आती है इस प्रकार से और यहां पर दो भागों में बढ़ जाती है। ये देखिए, ये एक जो ब्रांच है वो हिमालय के दक्षिण से होकर गुजर रही है और एक हिमालय के उत्तर से। तो सर्दियों में क्या होता है, ये जो दक्षिणी ब्रांच है
ये जब हिमालय के दक्षिण से आ रही है तो यहां जब, क्योंकि जेट स्ट्रीम हम जानते हैं कि ये सीधी नहीं चलती, ये जिगजैग वे में चलती है इस प्रकार से, और जब ये इस प्रकार से चलती हैं तो जहां पे ये नीचे की तरफ मूवमेंट होता है हवाओं का, तो ऊपर तो हो गया कन्वर्जेंस और नीचे के भाग में डाइवर्जेंस। तो नीचे किस प्रकार का प्रेशर हुआ? हाई प्रेशर। तो धरातल पे जब हाई प्रेशर होगा तो हवाएं जो होती हैं, क्योंकि शीतकाल का समय है तो हवाएं धरातल पे कैसे चलेंगी? इस प्रकार से। और हम ये जानते हैं कि शीतकाल में हमारे हवाएं इस प्रकार से चलती हैं, और इन्हीं को हम उत्तर पूर्वी मानसून की संज्ञा देते हैं। तो ये प्रभाव हमारे मानसून पे किस प्रकार से जुड़ी हुई जेट स्ट्रीम, ये हम दिखाना चाह रहे हैं। तो ये कह रहा है एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर से उसके समानांतर बहने लगती है, दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में। दक्षिणी शाखा की मध्य स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री के आसपास होती है उत्तरी अक्षांश। इसका दाब 200 से 300 मिलीबार होता है। पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं, जो इन स्थानों से मेडिटेरियन सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं उनको भी लेकर आने का काम ये करती है। इसीलिए हम देखते हैं कि सर्दियों में उत्तरी भारत में, उत्तरी पश्चिमी भारत में और हिमालय के भागों में बारिश होती है। इसका दाब इसी जेट पवन द्वारा पश्चिमी विक्षोभों को लाया जाता है। रात के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का संकेत होती है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम ठंडी हवा का स्तंभ होता है जो सतह पर हवाओं को धकेलता है। इससे सतह पर उच्च दाब का निर्माण होता है, जैसा मैंने बताया। ये शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं। इन हवाओं के द्वारा ही शीतकाल में उत्तर प्रदेश व बिहार में शीतलहर चलती है। बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद ये हवाएं अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं और मानसून का रूप ले लेती हैं। जब पवन तमिलनाडु के तट पर पहुंचती है तो बंगाल की खाड़ी से ग्रहण किए जलवाष्प की वर्षा तमिलनाडु में करती है। ये है हमारी पश्चिमी जेट स्ट्रीम। तो यदि पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण में बह रही है और जैसे जैसे ग्रीष्म काल आता है, गर्मियां आती हैं, तापमान बढ़ने लगता है, तो ये हिमालय के उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो भाग है हिमालय का, तिब्बत वाला जो भाग है, ये ऊंचा उठा हुआ भाग है, और क्योंकि ग्रीष्म काल आ गया तो तापमान बढ़ गया, तो बढ़े हुए तापमान के कारण यहाँ पे निम्न दाब की स्थिति बन जाती है, यहाँ तापमान बढ़ जाता है। तो ये जो जेट स्ट्रीम की ब्रांच है ये उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जितनी देरी पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर की ओर शिफ्ट होने में लगाएगी उतना ही लेट मानसून आएगा। तो हम देखते हैं कई बार कि मानसून लेट हो रहा है, उसका कारण यह है कि जो जेट स्ट्रीम है जिसने वहां पे हाई प्रेशर कंडीशंस बनाई हुई हैं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनाई हुई हैं, वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुई। जब तक वो शिफ्ट नहीं होगी उत्तरी पश्चिमी भारत में लो प्रेशर की स्थिति नहीं बनेगी और हवाएं अट्रैक्ट नहीं होंगी। ये कारण है मुख्य। अब देखिए अब क्या होता है, जब गर्मियों का समय आता है तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप पर नहीं बहती, वो ऊपर चली जाती है। इसका खिसकाव जो है तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर हो जाता है। इस समय भारत के ऊपरी वायुमंडल में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का मतलब जब तिब्बत का ये भाग है जब ये गर्म हो जाता है तो यहां से हवाएं ऊपर उठेंगी गर्म होने के कारण, कन्वेंशन होता है संवहन होने के कारण, और ऊपर उठ के ये दो भागों में बंटती है, एक तो उत्तर की तरफ जाती है और एक दक्षिण की तरफ। जो दक्षिण की तरफ जो ब्रांच आ रही है इसको हम कहते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम, और ये धीरे धीरे इधर ओरलिस बल के कारण मुड़ती हुई और लास्ट में अरब सागर में ये धरातल पे नीचे बैठती है। और जब ये धरातल पे नीचे बैठेगी तो यहां हाई प्रेशर यानी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेंगी, दाब बढ़ेगा, तो यहाँ की जो हवाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे तापमान बढ़ रहा है उत्तरी पश्चिमी भाग में, तो यहाँ तो लो हो गया और यहाँ पे हाई है, तो इसके कारण हवाएं ऊपर की ओर आकर्षित होंगी। ये हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। तो पूर्वी जेट किससे जुड़ा हुआ है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और पश्चिमी जेट किससे जुड़ा हुआ है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। ये थोड़ा सा समझना आपको। तिब्बत के पठार से गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवाओं में सौग मंडल के मध्य भाग में घड़ी की सुई की दिशा में चक्रीय परिसंचरण आरंभ हो जाता है। ये ऊपर उठती वायु क्षोभ सीमा के पास दो अलग अलग धाराओं में बंट जाती है। इनमें से एक विषुवत वर्त की ओर पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में चलती है तथा दूसरी ध्रुव की ओर चली जाती है।
पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत के ऊपरी वायुमंडल में दक्षिणी पूर्वी दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर में नीचे बैठने लगती है और इससे वहां वृहत उच्च दाब का निर्माण होता है। इसके विपरीत भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर जब यह गर्म जेट स्ट्रीम चलती है तो सतह की हवा को ऊपर की ओर खींच लेती है और यही कारण है कि ये हवाएं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में एंटर करती हैं। तो ये जेट स्ट्रीम का जो जुड़ाव है भारतीय मानसून से वो इस प्रकार से है, आपको मैंने समझाया है, आप एक बार फिर देख के इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से, ये समर है और ये विंटर है। विंटर में हवाएं यूं चलती हैं, पूर्वी जेट जो है उसका प्रभाव, सॉरी विंटर में पश्चिमी जेट का जो प्रभाव है तो यहाँ हाई प्रेशर बना रहता है और हवाएं यूं जाती हैं। इसके विपरीत समर्स में क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम यहाँ बैठती है, हाई प्रेशर बनाती है तो हवाओं को आगे खिसकाती है। और इसीलिए आप देखिए कि पूर्वी जेट स्ट्रीम यदि बनती है, अच्छे से बनती है तो मानसून अच्छा आएगा, और यदि वो कमजोर रह जाती है, कभी कभी हिमालय जो है वहां पे बर्फ जो होती है बहुत ज्यादा होती है इसलिए तापमान बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, तो पूर्वी जेट कमजोर रह जाती है तो मानसून भी कमजोर रह। ये हमने बात की है कि किस प्रकार से मानसून की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत किए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, इसको आप समझें, कोशिश करें। और इसी के साथ हम इसे यहाँ खत्म करते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम मानसून और अलनीनो के संबंध के बारे में बात करेंगे और मानसून की विभिन्न ब्रांचेज के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े रहे, कोशिश करें। आप भूगोल विषय की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भेजें। धन्यवाद।